ऑलराइट, तो अभी जस्ट हम लोग अपने होटल रूम में पहुंचे और ये देख लो कुछ, ये हमारा रूम है। रूम वाकई में बहुत अच्छा है, मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। वैसे अभी तो बाहर पूरा अंधेरा है, बाहर का कुछ उतना खास दिखा नहीं पाऊंगा, फिर भी दिखा देता हूँ कैसा व्यू है कैसा नहीं। सबसे पहले आप लोगों को जल्दी से एक रूम टूर दे देता हूँ मैं। ये यहाँ से एंटर करते ही देख लो कुछ, ये हमारा रूम है। राइट साइड में दिख जाएगा वॉशरूम, और वॉशरूम है वैसे काफी बड़ा। यहाँ पे शेविंग किट, डेंटल किट, शावर कैप, सैनिटाइजर, लिक्विड वगैरह बहुत कुछ है, हेयर ड्रायर भी है। यहाँ पे एकदम थका सा चेहरा जो एकदम थक चुका है, कोई नहीं अभी रेस्ट करना है। और लेफ्ट साइड में है वार्डरोब जहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना शर्ट रख दिया है, नीचे लॉकर भी है, वहाँ पे चाय बन रहा है हमारा। ये तो टी किट के लिए दिया था, सब कुछ बनाने के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा देख लो यहाँ पे और ले लिया है। बाकी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डेस्क बना हुआ है जहाँ पे मस्त अपना एडिटिंग वगैरह होगा। रूम काफी छोटा है लेकिन मैं बोलूंगा काफी अच्छा है, हर कुछ काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, और मिनी फ्रिज भी है नीचे। अब मैं बाहर का नजारा आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, ये बालकनी जहाँ पे बैठने का मस्त जगह बना हुआ है। और व्यू की अगर मैं बात करूँ तो देख लो, वो सामने सी बीच है। मुझे फ्रंट वाला चाहिए था लेकिन वो नहीं मिल पाया। सारा जैसा कि मैंने बताया पूरी में सारा रूम सब बुक्ड है, यही मुझे काफी महंगा पड़ गया। मैं बता दूंगा आपको टोटल मैंने इसके लिए कितना पे किया है। सामने में ये बीच है, सुबह मैं दिखाऊंगा अच्छा नजारा दिखेगा। फिलहाल अभी रूम में चलते हैं, बहुत गर्मी है बाहर, बाप रे अंदर तो मनाली है। होप कि आप लोगों को इसका रूम टूर अच्छा लगा हो, और रूम है भी काफी अच्छा मैं बोलूंगा। काफी महंगा पड़ गया, दो दिनों के लिए मैंने इसको बुक किया है और दो दिनों के लिए मुझे पे करना पड़ा 11,000 रूपए, मतलब लगभग 11,500 के आसपास। मतलब एक दिन का वही 5,500 समझ लो आप, टैक्स वगैरह तो इंक्लूड रहता ही है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है साथ में, जो की आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग काफी ज्यादा थक गए, सोना एकदम भी नहीं हुआ है हमारा, और अभी मुझे एडिट भी करना है वीडियो, फिर दर्शन के लिए भी जाना है, देखेंगे थोड़ा सो भी जाएंगे बीच में, सोकर जब उठेंगे तभी दर्शन के लिए निकलेंगे एक ही बार। फिलहाल अभी तो जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है, फिर पापा वहाँ पे कॉफी बना रहा है वो भी पीना है, पहले फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, तो आकर हम लोग सोचे थे कि थोड़ा रेस्ट करेंगे लेकिन मैं चला गया था फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर जब मैं बाहर आया, बाहर उजाला हो चुका है, तो मैं बाहर का नजारा दिखाता हूँ आपको। मोटा पार्टी आगे रुका, बीएमपीएम सब है। ओ भाई साहब, ये सामने का नजारा देख लो, अगर फ्रंट साइड वाला हम लोग को रूम मिला रहता ना क्या व्यू आता। खैर कोई नहीं, अभी इससे भी काम चला लेंगे। तो फ्रेश होने के बाद तो हम लोग सो गए थे, अभी सो कर उठे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे मिलने के लिए, देख लो हमारे लिए दही बड़ा लेकर आए थे, यही होने वाला है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, और ये कोई साहू का दही बड़ा है। चलो भैया खाते हैं, ये देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बड़ा बहुत सॉफ्ट लग रहा है यार। ये आलूदम दही बड़ा है, आलूदम नहीं है क्या? हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना था, तो देख लो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है रूम में, हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया, हम लोग दही बड़ा खा रहे हैं। ये खाने के बाद देखेंगे थोड़ा बहुत पेट में जगह बचेगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो इस दही बड़ा के लिए थैंक यू सो मच सेनापति जी, और आपके फ्रेंड को भी, मैं उनका नाम पूछना भूल गया, ये दही बड़ा के लिए थैंक यू सो मच। तो देख लो ये बाहर के नजारे, और ये हमारा दही बड़ा, मस्त चेयर पे बैठते हैं, बाहर के नजारे एंजॉय करते हैं और इस दही बड़ा को भी खाते हैं। तो दही बड़ा खाने के बाद मैं एडिटिंग में लग गया, एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बस अब अपलोड का चिंता है। और वहाँ हम लोगों ने अपना चाय भी मंगवा लिया है, तो चाय आ गया। और हाँ एक और बात है, रूम में कुकीज वगैरह भी दिए हैं ये लोग। हमारा मराठा में नहीं देखे, आईटीसी में नहीं देखे, हाँ। इतना बड़ा बड़ा होटल ये किए, लेकिन ये ऐसा ऐसा ये बहुत अच्छा लगा ये बात। चलो कुकीज वगैरह दिया हुआ है। और एक बात है, जितना बार भी हम लोग वो मिल्क पाउडर वाला पैकेट ले रहे ना, दे दे रहे हैं वो। और इनका अभी हम लोग रूफ में भी गए थे लेकिन हम लोग वीडियो नहीं कर पाए। क्या सही नजारा है, मैं आपको जाके दिखाऊंगा, बहुत मस्त नजारा है वहाँ से। फिलहाल थोड़ा सा ही बचा हुआ एडिटिंग, उसको कम्प्लीट करते हैं, चाय भी पीते हैं अपना। हाँ जी, तो फाइनली मेरा वीडियो वगैरह एडिट हो गया है, वीडियो मैंने लाइव भी कर दिया है। और फाइनली शाम के 4 बजे हमें टाइम मिला है थोड़ा बहुत बाहर आसपास में घूमने का। पास में कोई ब्लू फ्लैग बीच है, वहाँ जाने का प्लान हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोग शायद नीलाद्री बीच गए थे, तो आज ब्लू फ्लैग बीच देख लेते हैं। अभी तो घूमते हैं थोड़ा आसपास, देखते हैं कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और सच बताऊं तो लंच करने का मन अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो हम लोगों ने खाया था ना वो दही बड़ा, भाई वो खाकर जो पेट है ना पूरा यहाँ तक भरा, इतना सही दही बड़ा था ना वो, जैसा लगा था पापा दही बड़ा। मेन दही बड़ा में ब्लोट नहीं कर रहा है, और सबसे नहीं, क्योंकि वो लास्ट में घोल जैसा कुछ था, देखे वो छाछ टाइप का, कुछ छाछ टाइप का बहुत टेस्टी था। कल सुबह भी मेरा वही सेम दही बड़ा ट्राई करने का प्लान है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पास ऐसा ऑप्शन होता ना कि मैं उसको कोलकाता ले जाऊँ मम्मी के लिए, खराब ना हो, तो मैं लेकर भी चला जाता। खैर कोई नहीं, अभी चलो बाहर निकलते हैं। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग अपने होटल के पार्किंग में आ गए हैं, और सामने ही सी बीच देख लो, क्या सही लग रहा है। और ये सामने में एक प्यारी सी बच्ची है, हेलो। और ये वाला हम लोगों ने स्कूटी लिया है, देख लो लास्ट टाइम जहाँ से हम लोगों ने लिया था ना, सेम वहीं से स्कूटी लिया है, नंबर आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भैया मस्त है, हम लोग को रूम में पहुंचा जाता है स्कूटी। स्कूटी होने से फायदा है ना, कहीं भी घूम सकते हैं हम लोग। कितना सही लग रहा है यार सामने से।
बहुत तेज हवा चल रहा है। हमारा जो स्कूटी है ये देख लो, और हेलमेट हमें बस एक ही मिला है। मेरे लिए हेलमेट नहीं मिला है, फिर भी हम लोग जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं यहाँ पे बस एक ही हेलमेट चलता है। लगने से वो ये भी बोल रहे हैं कि हेलमेट पहनो ही मत, बिना हेलमेट का भी चलेगा, लेकिन नहीं भाई, कम से कम रहना चाहिए। देखते हैं मेरा कहाँ से मिल पाता है कहाँ से नहीं, तो बिना हेलमेट के ही घूमना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, मिल नहीं रहा है तो क्या करें। मेरा हेलमेट तो नया था, मुझे लेके आना चाहिए, आ जाना चाहिए था। मेरे बैग में भी इतना सारा जगह था। ये स्वर्ग आ रहा है, देखो बहुत क्लीन है, पूरी बहुत क्लीन है। लाइट हाउस तो मैंने सुना था कि वापस से ऊपर जाने दे रहे हैं लाइट हाउस। अभी हम लोगों ने पता किया यहाँ पे, वो बोले नहीं जाने देंगे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने मंदिर को बाहर से दिखाया था, लेकिन इस बार प्लान है अंदर जाने का, लेकिन आज नहीं, हम लोग कल सुबह सुबह जाएंगे। सुबह सुबह ही प्लान हुआ है जाने का। दर्शन के लिए मेरे को लग रहा है अच्छा खासा भीड़ है, अर्ली मॉर्निंग ही बेस्ट रहेगा मेरे को लगता है। नहा धो के लाइक बीच में अगर आप आते हो ना, बाइक का पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है 10 रुपए करके, वो देख लो। टेम्पो, ट्रेवलर, 20 सीटर, 2 व्हीलर का 10 रुपए करके लगेगा, 3 या 4 व्हीलर में आते हो तो 20 रुपीज। तो अभी हम लोग तो यहाँ पे बाइक पार्क करने के लिए आए हैं, तो शायद अंदर जाने के लिए भी यहाँ पे टिकट काउंटर है। हाँ जी, तो स्कूटी हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, 10 रुपए पार्किंग, और ये अंदर जाने के लिए ये हम लोगों ने डॉल्फिन टिकट ले लिया है 3 घंटे के लिए पर पर्सन 20 रुपीज करके। सही है, चलो अंदर चलते हैं, और हमें तो भूख लगा है, कुछ खाना भी है, तो देखते हैं अंदर कुछ खाने पीने का क्या मिलता है। और सबसे अच्छी बात देख लो, यहाँ पे व्हील चेयर्स भी है, अगर आपके साथ कोई ऐसा है जिनको चलने वगैरह में दिक्कत है तो सबका जुगाड़ है। भाई देखकर तो लग रहा है वाकई में काफी अच्छा बीच होने वाला है, एकदम साफ सुथरा बीच है। वैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है पूरी में, पूरी हर बीच ही काफी साफ सुथरा है, बहुत साफ सुथरा है। यहाँ टिकट चेक होगा, फिर हम लोग अंदर जाएंगे, और ये सब चीज आप अंदर में नहीं कर सकते, देख लो। ड्रोन नहीं, इतना खूबसूरत जगह है, ड्रोन भी अलाउ नहीं है। ओ भाई, अंदर आते ही देख लो क्या दिखा है। भाई क्या साफ सुथरा बीच है यार, ऐसे बीच के लिए ना पापा इतना 50 रुपए भी कम है, 50 रुपए भी एंट्री फीस रखो, लेकिन ऐसा ऐसा क्लीन रखो यार। लिटरली ये देखो पापा, इधर लग नहीं रहा है दुबई उबई का कोई बीच है, पूरा एकदम सेम लग रहा है, कोई कचरा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है यार। देखो ये चीज ना, हर जगह ये चीज को फॉलो करना चाहिए। मैं बहुत सारा बीचेस अभी घूमा हूँ ये कुछ दिनों में, लेकिन ये जो ब्लू फ्लैग बीच है ना, इसका सच बता रहा हूँ, इसका बात ही अलग है। 20 रुपीज इसका चार्जेस है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप इतना चार्जेस लेके अगर आप बीच ऐसा क्लीन रख सकते हो तो भाई आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रखो यार, क्या सही लग रहा है ये देखो, कोई कचरा नहीं दिखेगा आपको कहीं भी। और ये जो फ्लैग है ना, ये कमाल का लग रहा है। बाकी यहाँ होटल भी है पीछे, बहुत सारा होटल भी है। ऑलराइट, तो अभी मैं ब्लू फ्लैग बीच में घूम रहा था, मुझे ये निमंत्रण बोलकर एक कैफे टाइप कुछ दिखा, सामने देख लो ये नजारे, और यहाँ मैंने टाइम लैप्स लगा रखा है, बहुत सही लगा मेरे को ये। हम लोग वहाँ से जा रहे थे ना, तो हम लोग वहाँ बैठ गए थे, मैं तब से इसको देखे जा रहा था, काफी इसका लोकेशन मुझे काफी अच्छा लगा। तो कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। यहाँ पे टाइम लैप्स लगा हुआ है, तो आप लोग एक काम करो, जब तक मैं खाना पीना खाता हूँ आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। अभी हम लोग आ गए हैं ये टी स्टॉल में, छोटा सा ये रिलायंस ट्रेंड्स है ना, जस्ट उसके पास में ही है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, सभी ने बताया यहाँ का चाय बहुत अच्छा होता है, देखते हैं कैसा होता है। वैसे चाय सच बता रहे तो देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, होप कि टेस्ट भी अच्छा हो। अरे भाई ये चाय अच्छा है, चाय। चलो पूरी में हमें चाय का ठिकाना मिल गया, अब कभी भी चाय पीना हो
रिलायंस ट्रेंड्स के जस्ट बगल में ये फूड वैन है, यहीं आ जाएंगे हम लोग चाय पीने के लिए। हाँ, चाय स्टॉकिंग यहीं आएगा और ये हम लोगों ने नॉर्मल चाय लिया है। ऑलराइट, तो हम लोग अपने रूम में तो आ गए थे, आकर थोड़ा देर हम लोगों ने रेस्ट किया ब्लू फ्लैग बीच वगैरह घूमने के बाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग चाय पीने गए थे। चाय तो भाई साहब एक नंबर वो चाय था। वो चाय पीने के बाद हम लोग रूम में आ गए। थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का काम बचा था, वो मैं कर रहा था। बाकी अभी जाना है मुझे डिनर करने के लिए, और आप में से काफी लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि मोहित भाई एक यहाँ का चाइनीज रेस्टोरेंट है वो एक बार कवर करो, तो वही प्लान है मेरा जाने का वहाँ पे। वैसे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने यहाँ डालमा में गया था, वहाँ पे मैंने जाकर ओडिया थाली भी ट्राई किया था। वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग दिखाऊं। लास्ट टाइम तो मैंने यहाँ का ऑथेंटिक ओडिया थाली दिखाया था, इस बार मैं सोच रहा हूँ दिखा दूं कि यहाँ पे अगर आप पूरी आते हो और आपको ऐसा कुछ चाइनीज वगैरह खाने का क्रेविंग है, मैक्सिमम लोग यही बोले थे कि चुंगवा का इंडो चाइनीज फूड जरूर आप ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो जाकर देखते हैं कैसा है वहाँ का खाना। इतने लोगों के मुंह से तारीफ सुन रहा हूँ तो शायद अच्छा ही होगा, हम लोग भी जाते हैं। रात के 9:30 बजे हम लोग अभी निकल गए डिनर करने के लिए, और अभी तो ऐसा हो गया है ना, लास्ट टाइम हम लोग बहुत घूमे थे पूरी, आज भी आकर पूरी घूमी लिए हैं, तो अब रास्ता याद हो गया है ना आसपास का, कैसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो हमने सुना है कि ब्लू फ्लैग बीच के सामने ये चुंगवा, तो हम लोग मैप भी नहीं लगाया, देख लो रास्ता याद है, काफी सिंपल वे है ना इसीलिए। और ये हमारा लास्ट टाइम का होटल, पूरी होटल। ऑलराइट, देख लो बिना मैप देखे बिना कुछ देखे हम लोग चुंगवा पहुंच चुके हैं, होटल ली गार्डन चुंगवा। अच्छा, ये होटल भी है ली गार्डन, काफी तारीफ सुना हूँ यहाँ का, चलते हैं अंदर। तो फाइनली मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ, और अभी सीन क्या है कि देखो यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग नॉनवेज ट्राई करने आते हैं। जैसे एक यहाँ का एक आइटम है गोल्डन फ्राइड सेजवान प्रॉन, ये यहाँ का मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम लोग ये पसंद करते हैं प्रॉन के आइटम में। और भी बहुत सारा चीज है, ड्रम स्टिक है, बट हमें खाना है वेज, तो हम लोगों ने अपने लिए वही हक्का नूडल्स और एक पनीर मंचूरियन ऑर्डर करा है। उसको भी टेस्ट करके आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ का इंडो चाइनीज कैसा है। लेकिन हाँ, अगर आप आते हो इधर तो यहाँ का गोल्डन फ्राइड सेजवान प्रॉन्स जरूर ट्राई करना। तो देख लो अंदर का कुछ एम्बियंस इनका ऐसा है, एम्बियंस लेकिन बहुत सही लग रहा है। और बाकी ये इनका मेन्यू है, इसकी बात मैं कर रहा था, गोल्डन फ्राइड सेजवान प्रॉन्स, ये बहुत अच्छा होता है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके रेट्स आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो देख लो ये आ गया हमारा पनीर मंचूरियन, साथ में हक्का नूडल्स। देखकर तो भाई साहब काफी सही लग रहा है, पनीर का क्वांटिटी मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, लेकिन नूडल्स का क्वांटिटी काफी अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा हमें सबसे अच्छा लगा। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने इनका नूडल्स और ये पनीर मंचूरियन ट्राई कर रहा है। नूडल्स में बता दूं ये हक्का नूडल्स है, एकदम प्लेन सा नूडल्स है ये, हो सकता है ये थोड़ा मिक्स वगैरह रहता तो थोड़ा और अच्छा टेस्ट करता, वैसे अभी भी अच्छा टेस्ट कर रहा है, लेकिन एकदम प्लेन लग रहा है, एकदम सिंपल है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ इस पनीर मंचूरियन का, ऐसा कोई रिकमेंड भी नहीं किया था इसको लेकर, हमें पनीर खाना था इसलिए हम लोगों ने ये लिया। बाकी हाँ, मेन नूडल्स था, लेकिन मैंने एक चीज देखा है, दो तीन लोग जो यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं सबने वो गोल्डन सेजवान फ्राई मंगवाया है, तो जब भी इधर आओगे ना तो वो गोल्डन प्रॉन सेजवान फ्राई जरूर ट्राई करना। मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग वही ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो जो गोल्डन प्रॉन है उसका क्वांटिटी मेरे को कम लगा, क्योंकि बगल वाले टेबल में भी आया हुआ है तो क्वांटिटी मेरे को कम लगा थोड़ा। बाकी ठीक है, ये डिनर है हमारा एकदम प्लेन सा सिंपल सा। हाँ जी, तो वहाँ का इंडो चाइनीज खाना ट्राई करके हम लोग अपने अभी रूम में आ गए हैं, और अभी आ रहा है हमें तगड़ा वाला नींद, क्योंकि सुबह प्रॉपर नींद हमें मिला नहीं है, और अभी हमें जल्दी से सोना होगा क्योंकि सुबह सुबह हमें निकलना है मंदिर में दर्शन के लिए। तो अभी सोएंगे नहीं तो सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, तो एक काम करते जाते हैं सोने के लिए। और एक बात है, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, तो आज के दिन आने वाला था मेरा रूम टूर वीडियो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ आना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे दर्शन भी करना था और टिकट वगैरह मिल नहीं रहा था, तो इस चक्कर में थोड़ा इधर उधर डिले हो गया टाइम। लेकिन कोई नहीं, मैं आज और कल तक हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं जैसे ही घर जाऊंगा, एक दो छोटा मोटा काम है, उसके बाद तो रूम टूर वीडियो आ ही जाएगा आपको, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।